विवेकानंद पार्क से आम आदमी पार्टी ने आम आदमी की समस्या को लेकर रैली निकालकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। आम आदमी पार्टी ने विवेकानंद पार्क से रैली निकालकर शहर भ्रमण करने के बाद कलेक्ट्रेट पहुंचकर आम आदमी से जुड़ी समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। आम आदमी पार्टी का कहना है, इन समस्याओं का निराकरण अगर जल्द नहीं किया गया तो आम आदमी पार्टी इससे बड़ी रैली निकालकर व्यापक स्तर पर प्रदर्शन करेगी। गरीबों के पट्टे की मांग को लेकर विभिन्न रीवा और गुड़ विधानसभा से अलग अलग गांव बस्ती से गरीब आज हमारे यहाँ साथ हैं। उनके मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर, उनके बच्चों के स्वास्थ्य की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था नहीं, महिलाओं की सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं, बहुत गंदगी में इनको रहना पड़ता है। तो जीवन जीने के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, जो उनका अधिकार है, जो सरकार कहती है कि उन्होंने बड़ी बड़ी योजनाएं चालू की हैं, इनको सुविधाएं दी जा रही, वो सुविधाएं इनको नहीं मिल रही हैं, न्यूनतम सुविधाएं भी नहीं मिल रही जो एक जिंदा आदमी के लिए होनी चाहिए। उस मांग को लेके आज रीवा और गुड़ विधानसभा के अलग अलग गाँव से हम लोग इकट्ठा हुए हैं। हम कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देंगे और अगर ये मांगे नहीं मानी गई तो हम बृहद प्रदर्शन आगे आंदोलन करेंगे।